राजा की सरकार खत्म हो गई तो इन्होंने आते ही पहले महाराजा को थोड़ा सा दलील करना शुरू किया और जम्मू में उसका बड़ा रिएक्शन था कि तो उसके बाद इन्होंने जम्मू से कुछ लीडरों को बाहर एक्सटर्न करना शुरू कर दिया, जिनमें बलराज मदोकर एसएस के इंचार्ज थे, विजय मल्होत्रा जो दिल्ली में चीफ काउंसलर भी रहे, तो विजय मल्होत्रा को निकाला, केदारनाथ सानी भी था उनको भी, और भी बहुत से निकाले, और एक विष्णु गुप्त होते थे हिंदू सभा के, उनको बाहर एक्सटर्न कर दिया। तो जितने भी कांग्रेसी और बहुत से टाइम सर्वर वो सारे नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस वाले इकट्ठे हो गए और एक ही नारा चलने लगा, एक रहनुमा शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, एक जमायत नेशनल कॉन्फ्रेंस। तो जब एक तरफ तो ये नारे थे और दूसरी तरफ हाई हैंडेडनेस भी शुरू हो गई और जम्मू में ये हुक्मरान ऐसे आए जैसे कोई फतेह आता है, कंकरर की तरह आ गए। इन्होंने आके जम्मू कई तरह की बुराइयां शुरू की, पीना पुलाना और ये वो औरतों वाला, तो उसका बहुत रिएक्शन हुआ। तो ये नवंबर के आखिरी हफ्ते एक पहले सोच विचार के बाद ये फैसला हुआ कि जम्मू में कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाए, तो जिसका नाम प्रजा परिषद रखने का फैसला हुआ। लेकिन उनका मैनिफेस्टो जो था या नसरुद्दीन, वो उसका नाम रखा उन्होंने नया जम्मू। नया जम्मू रखा तो आरएसएस का इन्फ्लुएंस था, ये मामला पहुंचा नाम का आरएसएस के गुरु गोलवालकर जी के पास। उन्होंने कहा ये नहीं हो सकता, महाराजा ने सारी रियासत का एक्सेशन किया है इंडिया के साथ, जम्मू का ही नहीं किया। अल्टीमेटली ये डिसाइड हुआ कि इसका नाम ऑल जम्मू एंड कश्मीर प्रजा परिषद रखी, महाराजा का भी लिंक आ जाए, महाराजा के प्रजा है तो ऑल जम्मू एंड कश्मीर प्रजा परिषद। वो पहला जो मैनिफेस्टो था वो उसको जला दिया गया और तब से लेके ये डिमांड साथ शुरू हुई कि महाराजा ने सारी रियासत का किया है, सारी रियासत हिंदुस्तान का हिस्सा है। ये जो आए श्रीनगर से कश्मीर से, इन्होंने जम्मू में बहुत सी खराबियाँ शुरू, कांग्रेस का दफ्तर जो है हमीदुल्ला खान की थी, वो प्रजासभा का मेंबर भी था, जो वहाँ बहुत कुछ गड़बड़ होती थी, उसका भी चर्चा और रिएक्शन जम्मू में। तो प्रजा परिषद बन गई जम्मू कश्मीर। जब प्रजा परिषद बनी उसका तो यही था कि हिंदुस्तान का हिस्सा है सारी रियासत, तो ये टॉलरेट नहीं करने वाले थे। इन्होंने पकड़ धकड़ शुरू की और पकड़ धकड़ के साथ ही एक दफ़ा जिस तरह 140 है ना, उन दफा ना दफा 50 थी। अब यही पब्लिक मीटिंग वगैरह करने लगे। इसका प्रेसिडेंट जो बना रूपचंद नंदा, वो हिंदू सभा का ही प्रेसिडेंट रहा था, तो अच्छा एडवोकेट था, वो पकड़ंगा माँ लक्ष्मी मंदिर के सामने गली में रहते थे। दफा 50 इन्होंने पब्लिक मीटिंग करना चाहिए, तो पहली पब्लिक मीटिंग जो है वो सिटी में तो इजाज़त नहीं मिली, दफा 50 थी, 144 की बजाय दफा 50 का थे। अल्टीमेटली रघुड़ा जानते हैं जी, तभीयों के बीच जगह है आइलैंड सा, तो रघुड़ा में पब्लिक मीटिंग रखी गई, फर्स्ट पब्लिक मीटिंग। उस मीटिंग के प्रेजाइड किया मीरा बख्श, वो गुजर लीडर था, ये गुजरांदा मल्ला, ये गंदम गंडी मंडी के पीछे वहाँ का था, उसने प्रेजाइड किया। तो
इन पे केस रजिस्टर कर लिया है रूपचंद नंदा के खिलाफ। वो केस चला सेडिशन का, केस चला, बाद में उसको सजा हो गई 13 महीने सेडिशन में जुर्माना, तो फिर वो पीछे हट गया। प्रेशर बहुत थे घर के भी, तो वो पीछे हट गए। उन दिनों सत्याग्रह पंडित जी की रिहाई के लिए, इससे पहले जब ये पब्लिक मीटिंग, पंडित प्रेमनाथ डोगरा को गिरफ्तार कर लिया गया 7 फरवरी 1949 को, वहाँ उनके एक घर के साथ पंडित लबू राम बुडयाल का मकान, वो रिटायर्ड चीफ इंजीनियर थे माइनिंग के, उनके कजन ही थे, तो उनके बेटे की शादी थी हंस राय की। 7 मई की शाम को फंक्शन को चल रहा था, पंडित जी को एक मैसेज मिल गया किसी के जरिए कि रात को रेड होगा तुम्हारे घर में और तुम्हें गिरफ्तार करके श्रीनगर में ले जाएंगे। बाकी सब ने उनको कहा कि आप इधर उधर हो जाओ, मतलब अंडरग्राउंड हो जाओ। पंडित जी पहले चुप हो गए, चुप होने के बाद थोड़ी देर बाद कहने लगे ये नहीं होगा, वो कहेंगे कि डोगरा डर गया है, तो मतलब तो उनका डराने का है। पंडित जी आ गए अपने घर, अपने घर आके पंडित को बुलाया और पूजन, शक्ति पूजन, गाय वगैरह का अपना अंतिम जो होता है वो कर लिया और शक्ति पूजन करवाया। पुलिस आई 4 बजे, तो ये आगे तैयार बैठे थे, तो फिर इनको सीधा श्रीनगर ले गए। श्रीनगर जाके जेल में बंद कर लिया, उन दिनों बिजली भी नहीं थी, तो सर्दी थी, सर्दी में रखा 8 महीने वहाँ। यहाँ जम्मू में उनकी रिलीज के लिए सत्याग्रह हुआ जिसमें मैं भी गिरफ्तार हुआ था। तो उस सत्याग्रह में बहुत एक्सट्रीम टाइप की, जिसको कहते हैं ना सुप्रेशन, मारपीट, और करते कैसे मारपीट कैसे करते थे कि रघुनाथ बाजार में एक दुकान थी कुंदन लाल लालचंद, नाम आपने अब भी सुना होगा, बड़ी दुकान थी इसकी हार्डवेयर की। तो उनके हांसा एक दीनानाथ शर्मा, वो और एस का अच्छा बरकत था, उसने सत्याग्रह किया तो उसको पीटा, पीटा पीटते कहा कान पर धप्पड़ लगाने, उसके दोनों पर पर्दे कानों के फट गए। वो थ्रू आउट लाइफ छोड़ नहीं सकता था, बहरा रहा। उन्होंने अच्छे थे लालचंद, तो खजानती थे उसके प्रजा परिषद के, उनको उन्होंने दीनानाथ को निकाला भी नहीं और श्रीनगर में एक दुकान खोल दी, वो बादशाह के सामने हार्डवेयर की ही, तो वो वहाँ रहे। ये दीनानाथ की कहानी है। दीनानाथ के अलावा मुझे माली मार पड़ी, मैं थोड़ा लंगड़ा हूँ, मुझे मारा 6-7 बजे। दरअसल सत्याग्रह के लिए मुझे कहा गया, मेरे साथ और भी 5 जाने थे, वो डरते वगैरह इधर उधर खिसक गए। अकेला मैं जब छिलमा ख़त्म हुआ उत्तम टाकी जी, तो छिलमे के उसमें एक दो नारा लगाया, पुलिस वाले टूट के पड़ गए, मुझे तो मारा ही मारा, और 20-22 लोग पकड़ लिए। अच्छा, उनकी भी पिटाई की। मुझे जाके थाने में मारा तो मैं कुछ बेहोशा हो गया। रात को 11 बजे मुझे जब होश आई तो इतनी देर में इंस्पेक्टर सिटी का आ गया, वो मुझे जानते थे, मैं भी उनको जानता था। जेसराज नंदा ने उसको पूछा, सब इंस्पेक्टर मीर खां को, कि अगर ये मर जाता तो वो कहता क्या होता, मर जाता तो मर जाता। इंस्पेक्टर को सब इंस्पेक्टर कहता है, कुछ लोग हैरान भी थे, लेकिन कुदरत के अपना ही खेल है। इस इंसिडेंट के बाद 11 दिन के बाद मीर खां जो है एक एक्सीडेंट में मर गया। मेरा ज़्यादा कसूर ये था, एक तो प्रेस रोड बांटते थे, क्योंकि मेरे घर में ही ये अंडरग्राउंड रघुनाथपुरा में, और मेरी ड्यूटी लगी थी अखबारी के, ये साइक्लो स्टाइल से पेपर निकालते थे, वो साइक्लो स्टाइल मशीन लगाई थी कोटा में। मेरा काम रोज़ जाना कोटा, वहाँ वो साइक्लो स्टाइल
उनका ज्यादा यही होता था, तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। उसी बेस पे जब मुझे गिरफ्तार किया तो मेरे पे केस लगा दिया उन्होंने 24A के सेडिशन का, और मुझे पकड़ के मारा हुआ था। सुबह लेके गए तो उठा गए तो आगे वहाँ बैठा थे नंबर वन सॉलिटरी सेल के सामने ठाकुर बलदेव सिंह, तो वो उसने देखा कि उसने कहा है इसकी अच्छी पिटाई हुई है। उसके आगे लुद्रमणि सांगरा से कूटा गई, उसके आगे तीन चार लोग थे और मेरे मुझे क्या किया इन्होंने, सेडिशन लगाई थी तो 9 नंबर में था चुनीलाल पंडो, अच्छा रियासी के, उसके भी कान दोनों खराब कर लिए थे, अच्छा पीट पीट के। मुझे के डराने के लिए इन्होंने क्या किया, सेडिशन तो लगाई थी 11 नंबर वो सॉलिटरी सेल में मुझे डाल दिया, जमीन पे ही था फर्श, बर्तन लोहे के बर्तन होते थे उसी में पार्टी थे, उसी में पानी थे, वही तो मुझे 11 में डाला। मुझे तो पता नहीं 11 क्या है, 10 क्या है, 9 क्या, 9-10 तो इनको डालते थे जो हैबिचुअल ऑफेंडर थे। मुझे डाला इसलिए कि 11 नंबर में 11 और 12 में डालते थे जिनको फांसी की सजा होती थी। अब मुझे क्या पता कि फांसी की सजा तो ना पता, तो ऐसे ही बाद में पता लगा कि 11 में इसलिए डाला कि टेररिज करने के लिए, केस भी नहीं चला। ऐसे ही जब बाकी रिलीज हुए, मैं भी उनके साथ ही रिलीज हो गया, अक्टूबर में मई में गिरफ्तार हुए थे, अक्टूबर में रिलीज हो गया। जेल के अंदर खाना ये था लोहे के बर्तनों में दिया जाता था और जान के मिक्स की होती रेत गंदी चीज पानी किरड़ वाल जानते हैं ना, मांस दाल में किरड़ जो नहीं वो वाली दाल वो देने, तो सबने शिकायत करनी कि ये क्या है, क्या करते हो मिट्टी। तो वहाँ एक मक्खन लाल कॉल होता था हेड वार्डन, वो मजाइया था कर दाल डालनी तो वो लोहे के बर्तन में तो साथ कहना करसा ऐश अच्छे दिन आवन गए, तो वो मजाक सा चलता रहा, तसल्ला रखो, तसल्ली की बजाय तसल्ला रखो। जब एजिटेशन कर सत्याग्रह खत्म हुआ, पंडित जी की रहाई का फैसला हो गया तो फिर सारे रहा हो गए, मेरा केस भी खत्म थे, सबके केस खत्म हो गए। पंडित उस वक्त आंदोलन पंडित प्रेमनाथ डोगरा तो थे ही, उनके घर ही मीटिंगें होती थी सब कुछ, लेकिन और बड़े थे जो बाहर के थे, इसरा जी टकी में दुर्गादास वर्मा था वो जनरल सेक्रेटरी था प्रजा परिषद में, इसके अलावा श्यामलाल शर्मा थे चीफ ऑर्गेनाइजर जुलाका मल्ला में, उनकी मैडम शक्ति शर्मा बहुत काम करती थी तो औरतों को ऑर्गेनाइज करने का, तो यही थे बड़े लीडर। मदन लाल भी होता था, मदन लाल बाद में MLC बना, उसको खरीदा गया। सचिन साहब, ये जो प्रजा परिषद का आंदोलन हुआ इससे निकला क्या, मतलब क्या चीज अचीवमेंट्स थी जो जम्मू को रिकग्निशन पहली दफा मिली कि जम्मू भी है कोई, जम्मू की रिकग्निशन पता ही नहीं, पहले जम्मू में कोई मूवमेंट ही नहीं। मूवमेंट इसीलिए बनी कि कश्मीर तो है जम्मू में नहीं, इसलिए यहाँ भी होना चाहिए कुछ, तो वो मूवमेंट जम्मू में बनी प्रजा परिषद की वजह से। फिर बाद में भी नाम लगा और प्रजा परिषद ने जो सबसे बड़ा 370 के खिलाफ शुरू किया अलाला के खिलाफ, दूसरा ये थी उनकी मांग के महाराजा के खिलाफ वही सलूक किया जाए जो बाकी महाराजाओं के साथ, कि 558 थे और उन सबको बुलाया गया राज प्रमुख, इस महाराजा को घर से निकाल दिया गया। महाराजा के खिलाफ तो बात यह है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 1944 में कोई वहाँ इंडिया में नारा लगा कोट इंडिया अंग्रेजों के खिलाफ, तो इन्होंने नारा दे दिया कोट कश्मीर डोगरों कश्मीर छोड़ दो। उसका जम्मू में बड़ा रिएक्शन था कि डोगरों के खिलाफ है ये मूवमेंट, जिन्ना को बुला के लाए थे ये जम्मू में बख्शी गुलाम अहमद, तो जियालाल केलम होते थे, तो 9 मई को आए यहाँ, 8 मई को जिन्ना यहाँ
ईदगाह में जलसा हुआ तो उसके बाद श्रीनगर गए। फनी चीज़ ये है कि श्रीनगर में खानाबल में जिन्ना की रिसेप्शन हुई तो बख्शी गुलाम अहमद था और उसने पिटाई कर दी उसके सामने मीरबाज के आदमियों की। तो श्रीनगर पहुंचने पर बड़ा स्वागत किया गया। तो जिन्ना ने अपने भाषण में कहा कि मैं तो बड़ा हैरान हूँ कि मेरा इस तरह इस्तकबाल किया गया जिस तरह शहनशाहों का किया जाता है। तो लुत्फ ये था कि उसमें जो पढ़ा गया रिसेप्शन एड्रेस वो पढ़ा जियालाल केलम ने, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस का स्पोक्समैन भी था, बाद में चीफ जस्टिस भी बनाया उसको। तो उसने जियालाल केलम ने बहुत तारीफें की जिन्ना की, आखिर में एक लाइन लिख दी कि कश्मीर में जो भी आता है ये हमारी रिवायत है, हम उसका खैर मुकदम करते हैं, स्वागत करते। जिन्ना बड़ा चलाक था, जिन्ना ने कहा जो मेरा स्वागत हुआ मैंने समझा कि जिन्ना का है या किसी वन पर्सन का है, ये तो मेरी मुस्लिम लीग का है जिसको मैं हेड करता हूँ, तो ये स्वागत तो मुस्लिम लीग का हुआ। और नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले वो कहता था मुस्लिम कॉन्फ्रेंस रखो, ये कहते थे नहीं। इन्होंने दलील ये दी कि मेजॉरिटी हमारी है, एक आध हिंदू रखा हमने तो अल्टीमेटली मुसलमानों की ही चले गई, इसमें भी दिया हुआ है। तो वो आर्गू करते रहेंगे। लेकिन जाती बार जब 2 महीने रहा श्रीनगर में जिन्ना, ये मशहूर जगह जहाँ नेहरू ठहरता था चश्माशाही, चश्मा शाही के सामने वहाँ ठहरा था। तो वहाँ मीटिंगें ज़ियाफ़तें पार्टियाँ होती रही, लेकिन जिन्ना अपनी बात कहता रहा, ये अपनी कहते रहे। जब 2 महीने के बाद गया तो धरती बार उसने मरी एक जगह आती है, मरी वो आजकल उधर मरी में जाके क्या लिया, मैं शेख को सपोर्टिंग करता, मैं तो मुसलमानों का नुमाइंदा हूँ तो मेरी सपोर्ट मीरबाज को, मीरबाज यूसुफ शाह, हाँ यूसुफ शाह। तो इन्होंने डिक्लेयर कर दिया शेख ने कि मैं जब तक जिंदा हूँ मैं न जिन्ना की 2 कौमों की थ्योरी नहीं मानूंगा। इनकी फिर आपस में लड़ाइयाँ शुरू हो गई। 370 और 370 को लेकर ये कब शुरू हुआ था? ये दरअसल बात यू ही कि आंदोलन तो फिर उसी पे शुरू हो गया ना, कि जब प्रिंस ऑफ वेल्स कॉलेज में बजाय तिरंगा लहराने के इन्होंने लहरा दिया नेशनल कॉन्फ्रेंस का हल वाला, उसी के खिलाफ प्रोटेस्ट किया। वेद मित्र होते थे रियासी के, एम ए स्टूडेंट था तो यश वसीन था, इन्होंने तो एक तरह से शेख से झंडा ही छीन लिया ना, तो उनको एक्सटर्न कर दिया, रेस्टिगेट कर दिया। रेस्टिगेट की बहाली को लेके आंदोलन शुरू होता है और उस आंदोलन के साथ ही 8 फरवरी 1949 को एक जुलूस निकला। इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट है ना जो, ये उसके सामने एक ड्यूटी होती थी, उस ड्यूटी को आग लगा दी तो वहाँ फायरिंग भी हुई और 72 घंटे का कर्फ्यू लग गया। उस कर्फ्यू में मुझे कहा गया अंडरग्राउंड हो जाओ, तो मेरे पास था कुछ नहीं, रघुनाथपुरा मैं चला गया सतवारी, मुझे एक टीचर मिल गए तो सतवारी स्कूल के वो कह लगे, मैंने कहा इस तरह, वो कहता है ये स्कूल पढ़ा यहाँ सो रहा करो रात को, तो मैं वो बेंचों पर सोता रहा। तो ये वहाँ से आंदोलन का, इन्होंने भूख हड़ताल शुरू की थी लड़कों ने, किसी ने 30 दिन, किसी ने 24 दिन, चमनलाल ने की 34 दिन। चमनलाल की कहानी ये है कि इसके चाचा की शादी थी तो ये वहाँ कमेंट कर आया कि मैं भूख हड़ताल बैठूँगा। तो चमनलाल का बाप, सारे लोग उन दिनों इमोशनल थे, तो चमन को कहा उसने बिहारी लाल ने कि
हैं बेटा, तूने फैसला हमारी मर्जी के पूछे बगैर किया, अब पेट नहीं लगवाना। तो ये चौथी 34 डेज इसने वो करता लिया। 34 दिन? हाँ 34 दिन। सत्य साहब, ये भी आपसे जानना चाहूँगा कि इतने साल, लगभग 69 साल लग गए, पूरा अगर तारीख को खंगाला जाए तो 69 साल के करीब करीब, 70 साल के करीब करीब लग गए, और उसके बाद 5 अगस्त 2019 को 370 और 35 को हटा दिया गया और इस समय जम्मू कश्मीर एक यूनियन टेरिटरी है। मुझे ये बताएं कि क्या कुछ किया गया जिससे ये इंश्योर किया गया कि जम्मू में सकत ही न रहे कि 370 को लेकर ये कंटिन्यूसली एजिटेट करते रहें। इसमें बहुत कुछ खराबी की, मॉरली करप्ट किया गया, पैसे के लिहाज से करप्ट किया गया, और फिर सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जितनी पोस्टिंग थी, की पोस्टिंग, वो कश्मीर को दे दी गई, जम्मू को ऐसे ही छले जैसे होते हैं ऐसे डील किया गया। इलेक्शन तो फ्रॉड होता था ना सारा, इलेक्शन तो एक 75 मेंबरों के असेंबली में, पहली असेंबली में एक भी अपोजिशन का नहीं है। अयूब खान का नाम तो सुना होगा, 6 बार गुल और ना से बिला मुकाबला काम किया, बिल्कुल एमएलए बने, बिला मुकाबला। 7वीं बार 72 में जब इलेक्शन कमीशन आ गया तो खड़ा हुआ, जमाने जब्त हो गए, उसके बाद नहीं फिर गया गुल और ना से। तो ये जम्मू शहर से बनाए गए जो एमएलए, एक ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह की बिडो थी, राम प्यारी, हाँ, उसने बोला, और ना ईश्वरी देवी ने बोला, मैंने उसको मजाक से, वो एक वाइस प्रेसिडेंट था भाजपा का, तरियंतर सिंह, वो पब्लिक मीटिंग में कहता था आ गई मिस मैनी ना, वो बोली। और सबसे फनी चीज़ ये है कि पार्लिंग जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इंडिया की में 4 रिप्रेजेंटेटिव जम्मू कश्मीर से थे, नंबर 1 शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, नंबर 2 मिर्जा अफजल बेग, नंबर 3 मौलाना मसूदी, नंबर 4 मसूदी मौलाना, नंबर 4 जम्मू से था मोतीराम बेगड़ा, ये वो तीसरी या चौथी पड़ा था। और ये बहुत करता रहा यहीं तक कि मैं ऐसा आदमी हूँ जिसने 2 कॉन्स्टिट्यूशन साइन किए, इंडिया का भी किया और स्टेट का भी किया, और भाई साहब ना पार्लियामेंट में बोले ना इधर बोले, वो चौथी पड़ा था कि उसको क्या पता कॉन्स्टिट्यूशन के जानवर का नाम है। लीडर तो यही जो आगे आगे मार को पेच खाते मार खाते थे, लेकिन बहुत को करप्ट किया गया बाद में बहुत। जब ये 52 का डॉक्टर मुखर्जी के बाद एजिटेशन ख़त्म हुई, तो मैंने पूछा, दुर्गादास वर्मा था डिक्टेटर, तो दुर्गादास वर्मा से पूछा कि क्या हुआ है, तो उसका जवाब था ये वकील के साहब हमने पेपर दे दिया, रिजल्ट बाद में आएगा। तो बाद में मैंने उसके किसी साथी से पूछा जो उसका कॉन्फिडेंट, तो उसमें ये था कि डीपी दर होता था, डीपी दर बड़ा बदमाश चालाक, उसने क्या बातचीत के लिए दुर्गादास से, तो उसको कहा दुर्गादास को, वर्मा साहब कश्मीर में डीपी दर दुर्गा प्रसाद, जम्मू में दुर्गादास वर्मा, तो इस पर बात ख़त्म हो गई एजिटेशन का ये रिजल्ट। बाद में उन्होंने खरीदो फरोख्त, सबसे पहले मदन को ख़रीदा, फिर दुर्गादास वर्मा को भी गंदा कर दिया, कंपनसेशन देने परमिट दे दिए 2 गाड़ियों के। तो ये था बहुत लोग, एक बसंत सूबेदार बसंत सिंह था, सूबेदार बसंत सिंह ने सत्याग्रह किया, 7 बीवी के 1 बच्चा था, और सारे अपने मवेशी भी साथ ले गए, मवेशी भी, हाँ, वो उनको मुसीबत पड़ गई, इनको बाहर रखे सत्याग्रह में। तो बहुत से लोग, एक काना चक्का था, उसका नाम नहीं मुझे पता, उसका मकान तक उखाड़ दिया था। सबसे ज़्यादा हैरानकुन बात भी है कि हीरानगर के पास, हीरानगर में 11 जनवरी को हुई फायरिंग, उस दिन गिरधारी लाल डोगरा उधर था, ये बख्शी गुलाम अहमद था, तो
ये सारे उधर ही थे। इन्होंने क्या किया कि वो मारे गए भीकम थे बिहारी, भीकम की बीवी थी रत्ना देवी, उसके दो माँ का लड़की थी, उसको थ्रू आउट किसी ने कोई सपोर्ट नहीं किया। एक बार मदन लाल खुराना चीफ मिनिस्टर दिल्ली के, ये आए थे उनको पब्लिक मीटिंग में, उन्होंने क्या किया कि जब तक मैं चीफ मिनिस्टर हूँ तो इनको 500 रुपये महीना मिलता रहेगा, वो 500 रुपये महीना मिलता रहा। उनकी लड़की की शादी जो है वो रत्नों की, वो छन मोरिया की थी, हीरानगर के पास ही जी। तो उसकी शादी करवाई चमनलाल ने, खर्चा वर्चा लिया, तो बहुत किसी ने बाद में पूछा भी नहीं, ऐसे भी हैं। सज्जन साहब, 5 अगस्त 2019 जब हुआ, जिस दिन 370 को हटाया गया, तो आपके जहन में उस दिन क्या कुछ आ रहा था या कुछ लिखा आपने? हमने तो लिखा भी कि सुल्तानियत खत्म हो गई, सुल्तान वापस नहीं आएंगे, ये सब दफा 370 की आड़ में जो कुछ होता है वो माजी का हिस्सा बन गया, दफा 370 इतिहास का हिस्सा बन गई और ये वापस नहीं आ सकती। क्या आप कैसा देखते हैं मुस्तकबिल? अब है मुस्तकबिल जम्मू कश्मीर, कोई बड़ी तब्दीली नहीं हुई, जो होनी चाहिए थी वो नहीं हुई जी। कोई सियासी तौर पर बात कर रहे हैं, समाजी तौर पर है? आप सियासी तब्दीली की बात कर रहे हैं, समाज के अंदर तब्दीली की बात कर रहे हैं? समाज के अंदर और जम्मू के अंदर जो होना चाहिए सब वो नहीं, कोशिश की जा रही है कि जो कुछ नहीं हुआ वो, सबसे ज़्यादा जोर दिया जा रहा है बिजली के प्रोजेक्टों पर, होना भी चाहिए क्योंकि बिजली का खसारा जो है साल का 5,000 करोड़ रुपया, 50,000 करोड़ रुपया खर्च कर दिया जिसका सिर पाई का कुछ नहीं, पता ही नहीं गया कहाँ। तो बिजली का 5,000 करोड़ रुपए की बिजली खरीदी जाती है हर साल, अब उसको ठीक करने के लिए इन्होंने प्रोजेक्ट शुरू किए। ये अटल बिहारी वाजपेयी के दौर में भी कोशिश हुई और कुमारा मंगलम ने 5 प्रोजेक्ट शुरू किए, लेकिन इन्होंने नहीं चलने दिए। ये कहते थे कि ये प्रोजेक्ट हमारा, ये बाहर वाले क्यों करें एग्जीक्यूट, हम खुद करेंगे। तो ये जो लोकलिज्म था ये डोमिनेट करता रहा और उसकी वजह से ही कश्मीरी डोमिनेशन बढ़ती। जम्मू को बहुत खरीदने के लिए कई चालें चली जी, जब शेख अब्दुल्ला को कमिट किया गया तो ये एम के चिकू जज था जो बाद में मिनिस्टर बना, मैं हैरान भी होता हूँ कि मिनिस्टर कैसे बन गया। तो ये श्रीमान जी उस केस को आगे ले चलने लेना चाहते थे, ये सेशन जज था, ये शेख की हिमायत में था और बहुत कुछ पंडितों ने ही गड़बड़ की है। तो एम के टिकू मिनिस्टर बन गए, लॉ मिनिस्टर जी। और फिर मिनिस्टर बनने के बाद एक बिल नंबर 9 सुना, बिल नंबर 9 ये है कि जो लोग पाकिस्तान चले गए वहाँ के शहरी बन गए वो वापस आ गए, अपनी शहरियत भी बहाल कर सकते हैं और अपनी प्रॉपर्टी वापस ले सकते हैं। ये टिकू ने कानून मूव किया था बिल। तो ये थे वरिष्ठ पत्रकार और इतिहास पर जिनकी, आप भी कह सकते हैं कि इतिहास पर जिनकी बिल्कुल साफ साफ नज़र, जिन्होंने खुद उस इतिहास को जिया, प्रजा परिषद का आंदोलन हो या उसके बाद का जम्मू कश्मीर हो, उसके बाद का जम्मू हो, यहाँ की राजनीति, यहाँ की सिविल सोसाइटी, हर एक चीज़ के बारे से ये वाकिफ़ हैं। आपने खुद ही सुन लिया प्रजा परिषद का आंदोलन शुरू कैसे हुआ।